नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि काफी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, इस स्टॉक में जब आपको गिरावट आता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी बेस्ट रहेगा क्योंकि अभी स्टॉक काफी मूव कर चुका है, तो जब भी गिरावट आए तो आप इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा सा ये सेक्टर जो है वो थोड़ा बहुत साइक्लिक रहता है, ज़्यादा साइक्लिक नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत ये सेक्टर भी साइक्लिक रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाले सेक्टर हैं और बेहतरीन रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये कंपनी का जो प्राइस का ग्रोथ है वो आपको दिखा देते हैं। ये कंपनी पहले दूसरे नाम से लिस्टेड था तो फिर से ये मर्ज करके लिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2019 में फरवरी में ये रिलिस्ट हुआ था, तो यहाँ पर इसका प्राइस था 855 रुपीज, यहाँ से मोमेंटम दिखाया 1217 रुपीज तक का, और 2019 के मई के बाद इसमें लगातार गिरावट होती है और गिरावट होते होते ये स्टॉक जो है लगभग आ गया 2020 में 405 रुपीज पर। तो इतनी गिरावट, मतलब 1200 का स्टॉक जो है मात्र आपको 400 रुपीज पर मिल रहा था, और 400 रुपीज से ये जब मोमेंटम क्या इस जो बुल रैली चल रहा है, मतलब पिछले 2020 के अप्रैल से ही हमारे मार्केट में एक बुल रैली आया है, जहां से गिरावट हुआ था वहीं से मार्केट वन साइडेड ऊपर की ओर जा रहा है, और ये यहाँ से 400 से अभी 1937 रुपीज पे ये स्टॉक आ चुका है। तो समझ सकते हैं यह कितना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है, एक शेयर पर 1500 का प्रॉफिट, तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है जिन्होंने भी उस गिरावट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल जर्नी था पिछले दो सालों का, लेकिन ये कंपनी इतनी ही नई नहीं है क्योंकि ये पहले दूसरे नाम से लिस्टेड थी। तो ये कंपनी काफी बेहतरीन है फंडामेंटली, और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, और ये कंपनी है डालमिया भारत। पहले ये ओडिशा सीमेंट के नाम से लिस्टेड थी ये कंपनी, और फिर से इसको मर्ज करके मतलब डालमिया भारत के नाम से रिलिस्ट किया गया, और करेंट मार्केट कैप की बात करें 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और करेंट प्राइस की बात करें तो 1938 रुपीज है, जैसा कि आपने चार्ट पे भी देखा, और रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड 10.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.6% का है, अगर पी की बात करें 29 का है, और जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 15 का है। तो अभी भी इंडस्ट्री के पी से लगभग दोगुनी प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, मतलब पहले स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड था, अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स स्टेक का, 56% का प्रमोटर्स का स्टेक है, जबकि कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड भी कंपनी पे करती है, 0.10% का डिविडेंड यील्ड है, और डेट टू इक्विटी की बात करें 0.24 का डेट टू इक्विटी है, और टोटल जो डेट है कंपनी पर 3060 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट वही कंपनी का 1231 करोड़ का है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और वही इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा खासा है 12,000 करोड़ का, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। वहीं एनालिसिस की बात करें तो जो प्रोज है कंपनी अपना रिड्यूस किया है डेट को, और कॉन्स की बात करें जो निगेटिव चीज़ें हैं, स्टॉक जो ट्रेड करा है अपने बुक वैल्यू से 2.87 टाइम्स पर, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 4.95% लास्ट 3 ईयर्स में, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है, तो ये सारी निगेटिव चीज़ें हैं कंपनी में। अगर पीर्स की बात करें तो इसमें जो पीर्स है सीमेंट सेक्टर में, तो कई सारे बेहतरीन मल्टी बैगर इस सेक्टर से निकले हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये सारे एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले दो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर से, जो कि अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है 2017 में 7400 करोड़ का था, जो कि देखते हैं लगातार बढ़ते चला गया है, और अभी 10,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में तो काफ़ी कम था, 2018 में 292 करोड़ का था, वो लगातार बढ़ते गया है, अभी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1231 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी जंप देखने मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी जंप देखने मिला है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें देखते हैं शेयर कैपिटल 37 करोड़ का है, तो शेयर कैपिटल काफ़ी कम हुआ है। रिजर्व की बात करें कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है 12,000 करोड़ का बोरोइंग। मतलब डेट की बात करें तो कंपनी अपना डेट लगातार रिड्यूस किया है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जो है 3,596 करोड़ का है, और वहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निगेटिव में है -276 करोड़ का, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से
माइनस पे 3,366 करोड़ का, और नेट कैश फ्लो निगेटिव चल रहा है। अभी थोड़ा सा कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो हमेशा पॉजिटिव रहा है कंपनी का। अगर बात करें डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड ये लगातार इंक्रीज हुआ है। डेबिटर्स डेज की बात करें तो ये आपको जो पीयर्स कंपैरिजन है उसमें देखना पड़ता है कि डेबिटर्स डेज किस मतलब किस कंपनी का ज़्यादा बेहतर है। अगर डेबिटर्स डेज यहाँ पर बात करें डालें 23 डेज है, 25 रामको सीमेंट, 45 इंडिया सीमेंट, 17 ओरिएंट सीमेंट। तो यहाँ पर डेबिटर्स डेज में देख सकते हैं कि जो डालिमिया भारत है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब कुछ एक दो कंपनियां हैं जिसका इससे कम है, नहीं तो ओवरऑल डेबिटर्स डेज और सभी कंपनियों का इससे ज़्यादा ही है। तो ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर एवरेज 3 इयर्स में देखें तो ये सबसे बेहतर कंपनी है। तो हर पैरामीटर पे आप देख सकते हैं कि डेबिटर्स डेज में ये कंपनी अपने पीयर से काफ़ी ज़्यादा है। और इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर भी काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का, 3.64 है। तो जो सेल्स का इफिशेंसी है उसमें भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अब इन्वेस्टर सेक्शन में बात करें तो नीचे चलते हैं, तो प्रमोटर का स्टेक इसमें 55.97% है। थोड़ा सा इधर प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है, कभी इंक्रीज भी हुआ था, तो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहा है थोड़ा सा प्रमोटर का स्टेक इधर पिछले एक दो सालों में। उसके बाद इसमें FIs का स्टेक भी है 13.46%, DIs का स्टेक 4.96%, और इसमें जो पब्लिक का स्टेक है 25%। तो इसमें थोड़ा सा पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा है, तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक में पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा होना भी चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जब तक इतने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलने वाला। लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न के लिए आपको ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आप देखिए कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर आना है आपको डालमिया भारत ग्रुप पर, तो यहाँ कंपनी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, या यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, और 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस इंडिया, और टोटल कैपेसिटी देख सकते हैं इतना मेट्रिक टन पर एन्यूम है। और बात करें इट हैज 5-6% मार्केट से इन टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो टोटल जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में उसका 5-6% जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का है। और कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना हो तो यहाँ पर आप आकर के dalmiabharat.com पर पा सकते हैं। डालमिया का जो बिजनेस है उसमें देखते हैं, डालमिया भारत है, फिर डालमिया भारत शुगर है, डालमिया OCL है, इस ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं। तो आप इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानने के लिए वेबसाइट को जरूर विजिट करें, और यहाँ पर डिटेल में कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, फ्यूचर बिजनेस प्लान के बारे में हर चीज देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।